हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमजोली किचन। आज मेरी मॉम आपको कबूली विद स्पाइसी चटनी एंड रायता ऑन साइड बनाना सिखाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, कबूली बनाने के लिए हमने ली 250 ग्राम चने की दाल। हमने इसमें इसको पानी में भिगो ली क्योंकि इसको टाइम लगता है गलने में। आप जितना दाल लेना चाहें ले सकते हैं, आप हाफ के जी लेना चाहें या 1 kg। हमने ये चावल लिए हैं। और दोस्तों, कबूली बनाने के लिए हमने लिया है 2 बड़ी प्याज, 1 चम्मच जिंजर पेस्ट, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, आधी अदरक और 2 हरी मिर्चें, 2 बे लीव्स, दालचीनी, बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और साबुत काली मिर्च और जावित्री ली है, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। और दोस्तों, अभी मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले कबूली बनाने के लिए हम ये ऑनियन फ्राई करेंगे मस्टर्ड ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए दोस्तों, अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा प्याज निकालेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये बची हुई प्याज में हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, गार्लिक पेस्ट डालेंगे और दोस्तों डालेंगे साबुत गरम मसाला। अच्छा दोस्तों, साबुत गरम मसाले को फ्राई करने के बाद अब हम डालेंगे चने की दाल। हमने दोस्तों पहले इसको भिगो दी थी, मैंने आपको दिखाया था कैसे आसानी से गल जाए। और इसमें दोस्तों डालेंगे चावल। अब दोस्तों ये देखिए, हमने दाल और चावल डाल दिए। ये दोस्तों चने की दाल, आप चावल से ज्यादा लीजिएगा, चावल कम लीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब दोस्तों, सब सामान डालने के बाद हम पानी डालेंगे। दोस्तों पानी इतना लीजिए कि दाल और चावल के लेवल से ऊपर हो। और इसको दोस्तों हम पकने को रख देंगे 2 सीटी पे प्रेशर कुकर में। अच्छा दोस्तों, स्पाइसी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और लेंगे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों लेंगे 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे और थोड़ा सा पानी। बस दोस्तों इसको अब मिक्स करेंगे। बहुत ही यमी और चटपटी ये चटनी दोस्तों, और इजी बहुत है और कबूली के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये चटनी हमारी तैयार है। अच्छा दोस्तों, रायता बनाने के लिए ये हमने दही फेंट लिया है। बहुत ही सिंपल रायता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। दोस्तों ये रायता बहुत ही लाइट और सिंपल है क्योंकि कबूली ऑलरेडी हैवी होती है, इसमें चने की दाल होती है जो बहुत हैवी होती है, तो इसलिए ये हमने रायता सिंपल रखा है। ये देखिए दोस्तों, अब मेरी मॉम ने गर्मा गर्म कबूली सर्व कर दी है स्पाइसी चटनी और रायते के साथ। और ये देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया था उस वक्त ऑनियन फ्राई करके जो थोड़ा सा निकाल लिया था, वो आप चावलों पे डाल के खाइए, कबूली पे बहुत अच्छा लगेगा। और आइए दोस्तों, खाइए हमारे साथ चटनी के साथ कबूली, खाइए और रायता आप खुद ही लीजिए दोस्तों और खाइए ये मजेदार कबूली गर्मा गर्म। और अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को, उनको भी बना के खिलाइए दोस्तों ये यम्मी सी कबूली स्पाइसी चटनी और रायते के साथ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों, और अच्छी अच्छी ब्यूटी टिप्स और रेसिपीज, यम्मी यम्मी रेसिपीज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।